केरल के कुन्नूर जिले में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के कार्यालय पर बम से हमला किया गया। आपको बता दें कि संघ के ऑफिस में कुछ लोगों ने बम फेंका है। केरल के पयनूर में पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार सुबह हुई है। बताया जा रहा है कि हमले में ऑफिस की खिड़की के शीशे टूट गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि आरएसएस ऑफिस पर बम से हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है। अभी मामले की जांच की जा रही है। इसके साथ ही जिस जगह पर आरएसएस का ऑफिस मौजूद है उसी जगह के पास स्थानीय पुलिस स्टेशन भी स्थित है। इसके बावजूद बम फेंके जाने की इस घटना को अंजाम दिया गया। बम फेंके जाने के बाद आरएसएस ऑफिस की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुर्सियां उल्टी पड़ी हैं और खिड़कियों के शीशे भी टूट गए हैं। हालांकि इस मामले में किसी को हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले 9 जुलाई को आरएसएस ने राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या की निंदा की थी और मुस्लिम समुदाय से ऐसी घटनाओं के खिलाफ आगे आने की अपील की थी। वहीं केरल के विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन को यहां एक अदालत ने आरएसएस की ओर से दर्ज कराए गए एक मामले में सोमवार को नोटिस जारी किया। तो वहीं संघ के विचारक एमएस गोलवरकर को लेकर सतीशन के कथित बयान के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।